मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए बेटा, मैम आपको आपकी हिंदी की किताब में अक्षर करवा रही है ना बेटा रिवाइज। आज फिर हम फिर करेंगे। आपकी किताब का नाम है अक्षर बोल, ठीक है बेटा? हम स्वर की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, स्वर का अभ्यास। चलिए, छोटे अ से अनार, छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम। देखिए अनार, ये अनार है, इसके पीछे एक मात्रा लग गई तो क्या बन गया बेटे? बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ईख कैसे बन गया? इसके ऊपर क्या लग गया? मात्रा। जिस चीज के पीछे मात्रा लग जाएगी उसे क्या बोलेंगे? बड़ा। बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू, छोटे उसे उपहार, छोटे उसे उपहार, छोटे उसे उस्तरा, उस्तरा। नेक्स्ट, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊट, बड़े उसे ऊट, बड़े उसे उदबिला। देखिए उल्लू, अब ये देखिए उल्लू, और इसमें क्या लगी? ये मात्रा होती है। ये क्या है? मात्रा। इसमें क्या है? छोटी सी सीधी रेखा, फिर खड़ी रेखा छोटी सी, ठीक है बेटा? इसके बाद क्या आ गया? री से ऋषि, री से ऋषभ, री से ऋग्वेद, ठीक है बेटा? आज हमने स्वर की प्रैक्टिस करी अ से री ऋषि तक। अब मैम आपको आपकी नोटबुक में काम कराएंगे। कौन सी नोटबुक है बेटे? ये आपकी हिंदी की, हिंदी की। हम अब लगातार वाली उसमें आ गए ना, कंटिन्यूज में। देखिए, हमने पहले अनार बनाया, फिर आम बनाया, अब हम क्या बना रहे हैं? इमली। सबसे पहले बताइए छोटी से क्या होता है? इमली, इमली, इमली। इमली के दो पैटर्न हैं, ध्यान से देखिए, और तीसरे पैटर्न में मैडम आपको पूरी इमली सिखा देंगे। फर्स्ट पैटर्न में 1 2 3 4 डॉट है, जिसमें हम छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और कर्व कर देंगे, ठीक है बेटा? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन देन कर्व, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन देन कर्व, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन देन कर्व। आता है ना आपको? ये तो मैम ने आपको कर्व करना सिखाया हुआ है। देखिए इस ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 डॉट है, हमने छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर कर्व कर दिए, ये बन गया ना बेटी। अब हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं, पहले तो वो हाफ पैटर्न बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे? जो सेंटर वाली डॉट्स है उल्टा कर्व करके इसको हल्का सा ऊपर ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? इमली का पैटर्न, ठीक है बेटा? आप ये ध्यान रखना, हिंदी में जब भी आप कोई भी अक्षर बनाते हो, ऊपर वाली लाइन से टच कर कर नीचे वाली पूरी लाइन तक हमने टच करना है, ठीक है बेटे? इस प्रकार आपका ये पैटर्न बन गया। अगर आपको ये हाफ और ये फुल आ गया, तो इसके बाद छोटी ई से इमली और बड़ी ई से ईख बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखो दो तो उतनी है, अब हम इसमें इमली कैसे बनाएंगे? देखिए, छोटी सी स्लिपिंग लाइन होगी, कर्व हो गया, फिर कर्व हो गया, यहाँ तक हमने सीखा। अब हल्का सा जो ऊपर ले गया ना, फिर हमने पेंसिल को छोड़ना नहीं है, इसको अंदर से थोड़ा सा बाहर लेके जाना, ये हमारा बन जाएगा इमली, है आसान। चलिए नेक्स्ट देखिए, छोटा सा वन, फिर हमने इधर मोड़ा, नीचे और मोड़ते हुए ऊपर वाली डोर से टच करके, अब हमने पहले पेंसिल छोड़ दी थी, अब हमने छोड़नी नहीं है, इसको इसके अंदर के ले जाके थोड़ा सा नीचे, हमारा क्या बन जाएगा बेटे? इमली। ध्यान से देखना इसको भी, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन इस तरह घुमाइए, फिर उस साइड एक बार उल्टी साइड, एक बार सीधी साइड घुमा के फिर इसको ऊपर ले जाना। अब ध्यान से देखिए, ऊपर ले जाके मैम ने क्या किया, इसी को पेंसिल को चला के थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, ये हमारा इमली बन गया, है ना आसान बेटे? देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान है। बस इस जब इस जोर से ऐसे लेंगे तो थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, ठीक है बेटा? ठीक है, इस तरह हमारा क्या बन जाएगा? इमली। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर छोटा सा वन बनाना है, फिर इस तरह घुमाना है, फिर दूसरी डोर से घुमा के ऊपर ले जाके अंदर लेके जाना है, ठीक है बेटा? आसान है ना आपके लिए, ये कोई मुश्किल नहीं है। छोटा सा वन, इधर घुमाइए, फिर दूसरी साइड, फिर ऊपर ले जाइए,
फिर ऊपर, फिर इसके अंदर, बन गई हमारी इमली। ठीक है, चलिए बेटा आप भी इस तरह प्रैक्टिस करना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।